नमस्कार साथियों, राम राम में आप सबका स्वागत है। और लगातार हम आदमपुर उपचुनाव की जो जानकारी है, किस प्रकार से रुझान रहने वाला है, वो हम जानकारी दे रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जेपी या जयप्रकाश जो हैं, उनकी किन किन गांव में हमारे अकॉर्डिंग या हमने जो बातचीत की है लोगों से, हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उसके अनुसार किस किस गाँव में कितनी उनको बढ़त मिलने वाली है। और एक आप सारे साथी जो है वो पढ़े लिखे हैं, और आप में से अधिकतर जो लोग हैं बहुत अच्छे परिवारों से, बहुत अच्छे शिक्षित लोग हैं, लेकिन जो अनपढ़ टाइप जो लोग हैं, कल एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें 300 का कोई, क्योंकि वीडियो बना रहे थे उस टाइम एकदम दिमाग से स्लिप हो गया। हालांकि मैंने दो एक मिनट उसमें पहले कहा भी था भी आप उसको नोट रखना भी, ये 300 घटाने हैं, लेकिन जो मंदबुद्धि लोग हैं वो कृपया इस विश्लेषण को ना देखें, क्योंकि हो सकता है इसमें भी कुछ ना कुछ बात हो जाए और वो आपको हर्ट करे। इससे अच्छा है, और फिर आप के जो शब्द होते हैं वो आपके संस्कार दिखाते हैं। तो मैं मेरे तमाम जो साथी हैं जो बहुत अच्छे शिक्षित पढ़े लिखे और अच्छे परिवारों से है, उनका स्वागत करूँगा। और जो इस प्रकार से जिनका माइंड सेट या माइंड लेवल, माइंड जो लेवल है वो संकीर्ण है, वो किसी और का विश्लेषण देखे और वहाँ अपनी बातचीत करें। हालांकि हमें सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इसका कोई वोटों पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम एक मोटा अनुमान लगा रहे हैं, जो हमने पाया है वो बता रहे हैं। तो साथी आइए मैं बताता हूँ, एक बार आप आगे आइए, जो आप थोड़ी इस साइड रहिए, छाँव आ रही है इसके अंदर। ये जो विश्लेषण है कि खासा महाजन है, खासा महाजन में हमें जो संख्या दिख रही है, खासा महाजन है, खासा महाजन में लगभग 400 वोटों की बढ़त हमें जेपी को लग रही है। फ्रांसी है, फ्रांसी में 350 के आसपास, काली रावण में 900 वोट, और खेरमपुर है, खेरमपुर में 300 वोटों की बढ़त। और तीनों जो चूड़ियां हैं, जिनको चूड़ी, जिसमें चूड़ी बागड़ियान आती है, चूड़ी कलां आती है और चूड़ी खुर्द आती है, इन तीनों गांवों में जयप्रकाश को 1300 वोटों की जो बढ़त है वो मिलती हुई दिख रही है। डरोली गांव है, डरोली में 300 वोटों की, कोहली जो गांव है वहां 400 वोटों की, जगान में 200 वोटों की, दुर्जनपुर में 600 वोटों की, काजड़ा जो गाँव है वहाँ 200 की, मल्लापर 200 वोट जेपी की तरफ ज़्यादा जाते दिखाई दे रहे हैं, मोटाखेड़ा गांव में 700 वोट। हालांकि कई सारे लोगों का दावा तो ये भी है कि 800 और 1000 तक वहां लीड रहेगी, लेकिन हमें जो लगा, हमने जो बातचीत की लोगों से, तो पाया कि लगभग 700 के आसपास उनको बढ़त होने वाली है। गुड़साल गांव में 400 के आसपास, बगला में 300, काबरेल जो गाँव है वहाँ कोई ज़्यादा बढ़िया चीज़ें निकल के नहीं आई। दो तीन प्रकार के आंकड़े, कुछ ने जो बातचीत हुई बीजेपी को भी बढ़त बताई, और कई जो हैं या जो एग्जिट पोल हमने किया लोगों से वोट डालने के बाद, तो बीच का सा हमने एक किया कि लगभग 150 के आसपास यहाँ से जेपी को बढ़त हो सकती है। जाखोद गांव में 200 के आसपास, न्योली खुर्द में 300 वोटों की बढ़त जेपी को मिलती दिखाई दे रही है। खारिया जो है, खारिया में 700, डोबी गाँव है, डोबी गाँव की जो ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि 1500 के आसपास डूबी गांव से जयप्रकाश को बढ़त हो सकती है। बांडाहेड़ी में 500 वोटों की, सुंडावास में 700 की, हालांकि बांडाहेड़ी में कई लोग तो ज़्यादा के दावा कर रहे हैं, लेकिन हमें लगा कि लगभग 500 के आसपास यहाँ लीड रहने वाली है। सुंडावास गांव में 700 की, और बालसमंद में जहाँ बड़ा टफ मुकाबला था, बड़ा ही रोचक मुकाबला था, और कूड़ाराम जी जो थे उन्होंने अच्छी वोट प्राप्त किए हैं, तो यहाँ लगभग 700 वोट फिर भी तुलनात्मक बीजेपी के, कुड़ाराम को सबसे एक नंबर पर, दो नंबर पर वोट जयप्रकाश को मिलेंगे या कांग्रेस को मिलेंगे, और तीन नंबर पर भव्य को मिलेंगे। भव्य से 700 वोट ज़्यादा जयप्रकाश को मिलते दिखाई दे रहे हैं। बुराक गांव में 700, तो इस प्रकार से इन सब का हम टोटल करेंगे 7000 हो गई, इन सब का टोटल करेंगे तो 4950 हो गई। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, 7000 में अगर हम 4950 जोड़ते हैं तो ये लगभग 5000, मानिए आप 50 कम रहे हैं, तो 11950।
और जो पिछली वीडियो में हमने बढ़त दिखाई थी कुलदीप बिश्नोई की कुछ गाँव का हमने जो डिस्कशन किया था, तो उसमें उनके लगभग 16,800 के आसपास बढ़त दिख रही थी। और इसमें से अगर हम ये घटाते हैं और पांच में से, तो लगभग जो बढ़त है वो 4,850 वोटों की बढ़त, या हम कहेंगे 5,000 के आसपास जो बढ़त है वो कुलदीप बिश्नोई को मिलती हुई दिख रही है। और साथियों एक बात कहूंगा कि अगर ये आंकड़े में ये गलत हो, ये गलत हो, ये गलत हो सकता है जोड़ने में गलत हो गए, तो आपको इसमें इस ऐसे नहीं सोच समझना है कि भाई ये क्या लिख दिया और क्या कर दिया। आपके सामने सारे मैंने आंकड़े दे दिए हैं, हम कोई मैथ के टीचर तो है नहीं और फिर भी कोशिश करते हैं, और बहुत सारा काम होता है, काम का प्रेशर भी होता है, तो आपके सामने सारा जो रिकॉर्ड है वो रख दिया बैठिए आपको। तो आप सब साथियों का बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक इतना देखा और आप जुड़े रहे। और भी हम जो इसमें से कुछ और निकल के आएगा, हालांकि कल रिजल्ट आ जाना है, पर फिर भी कुछ और जो निकल के आएगा वो भी हम आपके सामने लगातार लेके आते रहेंगे। आप सबका सहयोग और प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखिए। धन्यवाद।